ये है देहरादून का काफी फेमस इंदिरा मार्केट। सामान से लबालब भरी दुकानों और शॉपिंग में बेसुध लोगों की भीड़ में इन संकरी गलियों के बीच से लहराती हुई स्कूटी को छोटे भाई अंकित अपनी पूरी एक्सपर्टीज के साथ संभालते हुए हमें ले जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने। स्कूटी और गाड़ी को पार्क करने के बाद बेस्टम बेस्ट कपड़ों की खोज में अब हिमू हमें ले जा रहा है देहरादून की शॉपिंग मार्केट में एक और खास बाजार। ये है तिब्बती मार्केट। नहीं ऐसे बोल दौड़ कैसे रहा हूँ यहाँ पर लगभग एक घंटा बिताने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल से एक दिन पहले की ही शॉपिंग कर पाए थे, यानी कि केवल टी शर्ट और लोवर ही खरीदे। रेट की अगर बात करें तो कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन रेट अब यहाँ पर फिक्स्ड हो चुके हैं और पहले के मुकाबले थोड़ा भीड़ भी कम लग रही है और कुछ शॉप्स तो अभी भी क्लोज हैं। तिब्बती मार्केट के बिल्कुल सेंटर में भगवान बुद्ध के मंदिर में ये प्रे करके कि हमें कपड़े सस्ते और अच्छे और जल्दी मिल जाएं, हम आगे निकल पड़े। Himanshu is not important in the Hindu Sanatan Dharma.
तिब्बती मार्केट के फ्रंट पे ही है उत्तरांचल प्रेस क्लब और उसी के सामने है बहुत प्यारी सी बड़ी सी बिल्डिंग पर मॉडर्न दून लाइब्रेरी। इधर से जाएंगे कि उधर से गाड़ी लेके? हमें कुछ कपड़े पसंद आए थे इसलिए हम एक बार फिर से दोबारा पैदल निकल पड़े हैं इंदिरा मार्केट में। ये अंकित ऐसे में ही बोल रही थी वो अंकिता ना येलो में। मैंने पहना था अपनी दीदी में है। येलो में ऐसा यही तो बोल रही हो। ये है हार्ट ऑफ देहरादून, 85 मीटर ऊंचा, पहले बलवीर टावर और अब क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर के नाम से जाने जाने वाला मॉन्यूमेंट। अब हम लोग आ चुके हैं देहरादून के बिल्कुल सेंटर में एक और खूबसूरत से मार्केट में, पल्टन मार्केट। अब हमारी अगली मंजिल है दाई ओर की गली, जहां पर शादी के कुछ दिनों पहले लगभग सारे दूल्हे और दुल्हन शादी के लिए अपने कपड़ों के शौक को पूरा करते हुए दिख जाते हैं। यानी कि दूल्हा बाजार। शादी की टोपी पहनते ही सबसे पहले हिमू को इस प्यारे से बच्चे में अपने बच्चे की छवि दिखने लगी और शादी के लिए बेताब बैठे दीपू और पंकज को इन दूल्हों में अपनी छवि। तो ये दीपू भाई की ओर से पार्टी दी जा रही है। अब जैसे तैसे करके बारात आने वाले दिन के लिए तो शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन मेहंदी वाला दिन अभी भी बाकी है, इसलिए हम पहुंच गए जहां पर आम आदमी खरीदने के बजाय देखने से अपने शौक पूरे करना ज्यादा पसंद करता है, यानी कि पीवीआर मॉल राजपुर रोड। Thank you.
शॉपिंग अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन अब जोरों की भूख लगना शुरू हो गया है। इसलिए हम लोगों ने मंगाए सुनहरे रंग में रंगे रुई की तरह स्पॉन्जी, अमृतसरी भटूरे और साथ में मैंगो लस्सी। सोचा कि शायद भूख शांत होने पर शॉपिंग के नए आइडियाज आ जाएं। शादी में डैशिंग दिखने में कोई भी कमी ना रह पाए, इसलिए हमने सारे ऑप्शंस ट्राई किए और पहुंच गए क्रॉस रोड मॉल। गलत जगह आ गए थे 20 मिनट में। यहाँ से गली में घुस जाओ। यहाँ से? हाँ। अंदर से पहले? हाँ। यहाँ ये जो दिख रही है सामने? ये? हाँ। इधर पीछे लगे जाओ। ताले तो ले पीछे जाओ। लगभग पूरा दिन लगाने के बावजूद भी अधूरी शॉपिंग के साथ हम लोग घर की ओर निकल पड़े।